Yeah, I'm Dr. Rajiv Trehan. I'm practicing as psychiatrist in Sector 12, Panchkula. Today I'm going to discuss on very important topic, migraine. So as we know, headache is one of the commonest disorder all over the world. Headache हम किसको कहेंगे? अगर head में कहीं भी portion में pain हो रहा है, तो उसको हम headache कहेंगे. वो pain जो है डल पेन भी हो सकती है, थ्रॉबिंग पेन भी हो सकती है, स्वेयर पेन भी हो सकती है, और वो पेन कुछ घंटों के लिए भी हो सकती है, कुछ डेज के लिए भी हो सकती है. सो दैट पेन में सडनली पेशेंट एक्सपीरियंस और ग्रेजुअली एंड इट में लास्ट फॉर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक. वन इज टेंशन हेडेक. टेंशन हेडेक usually occurs in adults and teens. Patient experience mild to moderate type of headache, and that headache usually comes and go. No other symptoms patient experience. However, patient tells doctor that he or she is having stress. So that is why the patient has tension headache. Another headache is sinus headache. अब ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ हैं, जिसको हम साइनस कहते हैं, वो जब दे गेट इन्फ्लेम्ड एंड उसकी वजह से फिर पेशेंट को इधर नोज़ के ऊपर या चीक बोन्स पे या इधर फ्रंटल हेडेक फोरहेड पे पेन होनी शुरू हो जाती है. एंड दिस इज़ साथ ही पेशेंट को रनिंग नोज़ भी होता है, स्वोलन फेस होता है एंड फीवर भी होता है, जिसको हम साइनस इन्फेक्शन कहते हैं, उसकी वजह से वो पेशेंट को ये हेडेक होता है. टेंशन हेडेक यूजुअली पेशेंट फोरहेड पे ही एक्सपीरियंस करता है. अनदर इज क्लस्टर हेडेक. क्लस्टर हेडेक में कॉन्स्टेंट एंड डीप पेन पेशेंट एक्सपीरियंस इन आई, यूजुअली अदर लेफ्ट आई और राइट आई. एंड क्लस्टर टाइप ऑफ हेडेक में क्या रहता है कि ग्रुप्स में पेशेंट को हो सकता है वो दिन में 3 बार एक्सपीरियंस करे वो पेन. दैट पेन में लास्ट फॉर 1 to 2 hours एंड इन 1 to 2-3 months दैट पर्टिकुलर. हाउएवर दैट पेन इज थ्रॉबिंग पेन, स्वेयर पेन, एंड यूजुअली अकर्स बिहाइंड आईज, ओवर द आईज इन पर्टिकुलर एरिया. अनदर पेन इज माइग्रेन की वजह से पेशेंट जो एक्सपीरियंस करता है. माइग्रेन इज वर्ड ग्रीक वर्ड हेमिक्रेनियन से लिया गया है, जिसका मतलब कि पेशेंट एक्सपीरियंस पेन इन हाफ पोर्शन ऑफ द हेड, लेकिन 40% ऑफ द पेशेंट दे एक्सपीरियंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड. माइग्रेन हेडेक अकॉर्डिंग टू WHO पहली 10 जो इलनेसेस हैं उसमें ये 8वें नंबर पे ट्रबलसम डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड 4th डिजीज इन वुमन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिसऑर्डर एक्सपीरियंस बाय डॉक्टर्स. द नंबर ऑफ पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन इज 1 billion. 1 in 4 होम, 1 in 5 women, 1 in 13 men, and 1 in 11 children, they are suffering from migraine. So migraine is more common among women due to hormonal changes. It usually occurs after puberty or between age of 30 to 50 years, during pregnancy, during postmenopausal patient never experience migraine headache. So during hormonal changes, which occurs usually during puberty, after puberty, during menstruation and during pregnancy, female experience more episodes of migraine. So migraine may 4 stages rehti hai. One is prodrome, another is aura, third is headache, fourth is postdrome. प्रोड्रोम में पेशेंट का हेडेक शुरू हो जाता है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है प्री हेडेक, जिसको कहते हैं.
ऑरा में पेशेंट समटाइम एक्सपीरियंस zigzag lights, flashes, nausea, vomiting, and this lasts for 4 to 72 hours. Lekin jab complete headache hota hai usko, that lasts from 4 hours to 3 days. Then post-drome stage mein patient complaint of migraine hangover. So these four stages of migraine, patient experience fatigue, lack of concentration, sensitivity to light, sensitivity to smell, sensitivity to sound, flashes of light, pain behind head, and sometimes stiffness in neck or on shoulders, nausea, vomiting, feeling down. These are typical symptoms which a patient of migraine experience. There are triggers which precipitate migraine. One should know those triggers. एक तो मैंने कहा hormonal changes, दूसरा sunlight से कईयों को migraine हो जाता है, change of weather से हो जाता है, direct AC cooler के आगे बैठे हैं उससे हो जाता है, sound से हो जाता है, loud voice, smell, किसी ने परफ्यूम लगाया उससे दूसरे को वो स्मेल चढ़ गया तो, ट्रैवलिंग से हो जाता है, डिहाइड्रेशन से, बहुत देर एम्प्टी स्टमक रहने से हो जाता है, और फ्लैशेस ऑफ लाइट, एक्सेसिव यूज ऑफ टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, ओवर एक्टिविटी, टायर्डनेस, उसकी वजह से भी माइग्रेन. दीज ऑल आर ट्रिगर्स. Food, drinks, excessive tea, coffee, additives, कुछ sausages होती हैं जो migraine को trigger करती हैं. So one should know the underlying cause कि उसको अगर migraine हुआ तो किस कारण हो रहा है. अगर sunlight से हो रहा है तो उसको कोई person को umbrella या cap use करना चाहिए. अगर direct AC cooler से हो रहा है तो उसके आगे नहीं बैठना चाहिए. तो वन शुड नो द अंडरलाइंग कॉज ऑफ ट्रिगर ऑफ माइग्रेन. इससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं माइग्रेन के एपिसोड से. स्लीप डिस्ट्रप्शन इज ऑल्सो अनदर कॉज ऑफ माइग्रेन. अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर स्लीप, 6 to 8 hours स्लीप इज रिक्वायर्ड, अगर वो नहीं ले रहा उससे भी माइग्रेन का अटैक उसको हो सकता है. It is one of the commonest, I told you, disorder all over the world. And एक अच्छे lifestyle से हम migraine से अपने आप को prevent कर सकते हैं, जिसमें sleep proper अगर कोई व्यक्ति ले रहा है 6 to 8 hours, they should fix their sleeping time and awakening time. Excessive tea, coffee नहीं लेनी चाहिए, especially late in the evening. Otherwise, all these caffeinated drinks, they cause insomnia. Avoid late night dinner. Dinner भी, food भी constant time पे होना चाहिए. Avoid watching TV, computer, mobile 1 hour before going to sleep. Otherwise, it may cause insomnia also. Physical activity, relaxation exercise, yoga, meditation, deep breathing exercise. It will relieve patient from tension and from mind relax रहेगा. Proper हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें उसका स्लीप अच्छा हो, डाइट अच्छा हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो एंड पॉजिटिव थिंकिंग हो. दीज आर द वेज हाउ वी कैन प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम माइग्रेन. सो लाइफस्टाइल चेंजेस इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम माइग्रेन. एंड वी हैव वेरी गुड मेडिसिन विच वी गिव टू पेशेंट दोज हु आर डायग्नोज विद माइग्रेन. And they have to take preventive medicine. Sometimes if patient experience severe pain, then we give SOS dose medicine. So one should know the symptoms of migraine and these four stages: prodrome, aura, headache, and postdrome stage, and it is treatable illness. If anyone is suffering from migraine, they should consult doctor for treatment. Thank you.